वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आ गई हूँ और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हम फ्लोर पे स्टडी सेटअप कैसे कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ लोगों के नाम लेना है जो लोग कमेंट करते हैं कि प्लीज आप वीडियो में मेरा नाम लो। तो चलिए मैं उनका नाम लेती हूँ। नंदिता, पुलकित मेहता, आद्याशा, सुप्रिया, जराहा, समृद्धि, हनी त्रिवेदी, श्रीनिधि, श्रीनिधि, समीरा, निधि, अक्षिता, आराध्या, अक्षय, ओजा, दीपा, देव सिंह, त्रिशा, श्रद्धा, नंदिता, निशा, चेतना, रना, साई, श्वेता, मानसी, यूनुस, हनी, प्रियांशी, इशिका, तनिष्क जैन, पवन गुप्ता, स्वाति, जोशना एंड अंजू। आप लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि मैं आप लोगों का नाम लूं। टेबल बहुत सारे लोगों के पास नहीं होते, तो लोग क्या करते हैं, वो लोग बेड में पढ़ लेते हैं, आइदर सोफा में पढ़ लेते हैं। तो मैंने आपको मेरे हैक्स वाले वीडियोस में भी बताया था कि यस गाइस, आपको बेड में नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि नींद आ जाती है। एंड ये मतलब प्रूफ्ड भी है, आप जब भी बेड में पढ़ते होते अपना पढ़ने का टाइम कभी कंप्लीट नहीं कर पाते हो, है ना सच, है ना सच। हाँ, तो इसीलिए आप कहाँ पढ़ोगे, फ्लोर पे। बट स्टडी सेटअप के साथ अगर हम फ्लोर पे पढ़ेंगे फिर भी तो हमारा ये कंधा जो है वो दर्द होगा क्योंकि हम ऐसे नीचे बेंड होंगे ना, तो दर्द भी होगा। तो आज मैं आप लोगों को स्टडी सेटअप बताने वाली हूँ। पर इस स्टडी सेटअप के लिए आपको एक ऐसी जगह पे जाना है जहाँ कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी, ऐसे कि साइड में टीवी रखा होगा और आप पढ़ाई कर रहे हो, टीवी को थोड़ा थोड़ा देख रहे होगे और चुपके से टीवी ऑन कर लोगे और टीवी देखोगे, या साइड में फ्रिज होगा तो एक एक करके ट्रीट्स लाते जाओगे लाते जाओगे लाते जाओगे और खाते जाओगे खाते जाओगे खाते जाओगे, मतलब आप लोग पढ़ने बैठोगे 2 घंटे तो आप लोग 10 मिनट पढ़े होगे ना। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और हाँ, डिस्टर्बेंस भी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर लाइटेड होना चाहिए एंड उस जगह पे मतलब अच्छे से हवा भी थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए, राइट। एंड चलिए हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें बस बहुत सारी सिंपल चीजें चाहिए जो कॉमन है, सबके पास होगा। ये हमें चाहिए एक लैपटॉप टेबल, ये देखिए ऐसा टेबल, ये बेड में रख के आप लैपटॉप कर सकते हो एंड आप इसे एज आप इसमें पढ़ भी सकते हो। एंड हमें चाहिए एक ऐसा शेल्फ, देखिए ऐसा छोटा सा शेल्फ आता है, उसको आप ऐसे यहाँ पीछे जो है आप लोग ऐसे वॉल पे मतलब जो है आप लगा सकते हो, या तो आप इसको ऐसे साइड पे रख के अपना बुक्स कॉपीज रख सकते हो। तो चलिए मैं मेरा स्टडी सेटअप करती हूँ। तो चलिए मैं इसको शेल्फ है मेरा, मैं आप बहुत सारे लोग अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी रख सकते हो, पर मैं नहीं चाहती कि मेरा जो मोटा मोटा बुक्स है वो यहाँ हो जाने से मुड़ जाएगा प्लस उसके कॉर्नर्स, तो इसलिए मैं इसे ऐसे रखूंगी ऐसे। और मैं जो सब भी कर रही हूँ आपको दिखाऊंगी, आप चिंता करने की कोई बात नहीं है। एंड ये वाला जो है ऐसा मेरे पास, मैं इसको टेबल पे ऐसे करके डाल दूँ, इसीलिए टेबल क्लॉथ जैसा हो गया। डायरी को तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि ज्यादा भारी ज्यादा ना हो। एंड या तो
ऑर्गेनाइज नहीं रहता है, कभी पेन की जगह पे पेंसिल रह जाता है, तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगी कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और हाँ, ये देखिए मेरा यहाँ जो साइड में ऐसा वाला है ना, इसको मैं क्या करती हूँ इधर ऐसे करके क्लिप जैसा कर देती हूँ, और जो भी मेरे पास थोड़े थोड़े लंबे चीज है उसको मैं पीछे रख देती हूँ, और थोड़ी मोटी चीजों को भी पीछे रख देती हूँ। जो ज्यादातर मुझे यूज करना होता है जैसे कि पेन, उसको मैं आगे रख लेती हूँ। मेरा दर्द भी नहीं कर रहा है, मेरा जो